हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो आपकी द्वितीय है उसे देख रहे हैं, कक्षा 7वीं की। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोग 6 चैप्टर, 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका 7वां चैप्टर है, हमारे आसपास के बाजार। याद रखिए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी कक्षा 8वीं तक की आपकी एनसीईआरटी है, बहुत ही साधारण शब्द में लिखी गई है। ठीक, तो आपको बस कहानी की तरह इन्हें सुनना है। लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपका इसका निष्कर्ष पता चल जाएगा। ठीक, हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियाँ, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाया जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, एक खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है, और सबके बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ बाजार की तस्वीरें। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार, साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकानें लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। आपने देखा होगा कि सप्ताह के एक दिन हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, कहीं सब्जी का बाजार लगता है बड़ा। वो सप्ताह का एक दिन निर्धारित होता है, फिर चाहे आपका सोमवार हो या मंगलवार या किसी भी दिन हो, उस दिन एक दिन लगा दिया जाता है। वहां से हम लोग सब्जी खरीद लेते हैं और 7 दिन के लिए फुर्सत हो जाते हैं। इसलिए इसी बाजार को हम लोग साप्ताहिक बाजार कह सकते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों की के कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों से जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख लें, जहाँ संभव है वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल भाव करके कम करवा सकें। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत के सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाते हैं। सब्जियां, कपड़ों के किराने सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीद कर वो सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़े को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं
उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौकों पर अच्छा व्यवसाय कर लिया करते हैं। अब बात करते हैं मोहल्ले की दुकानें। हमने देखा है कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाता है। बहरहाल हम अन्य तरीकों तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले, अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता, कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालिक दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची, सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे सूची के अनुसार सामान तौलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस कविता के चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी सेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकियां रखी हुई थी। दूसरी ओर सेल्फों का पर दंत मंजन, टेलकम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे हुए थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों के सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तौलने और बांधने के करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालिक ने नोटबुक में 3,000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख ली। यह सुजाता अपनी भारी थैली लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसने घर से दुकान का हिसाब चुका दिया। ठीक, इस तरह चलता रहता है उधारी आपकी भी। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं, और हम सप्ताह के किसी भी दिन, किसी भी समय उन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीददार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं, और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी आज खरीदे गए सामान पर भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में आपने देखा होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाले होते हैं, वो कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। एक इस कहानी को भी देख लेते हैं हम लोग। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी। वे इसमें से बाहर का नजारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कार कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गए। सुरक्षा कर्मी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि उन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमतों की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3,000 रुपये से कम नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाते हुए बोली, मैं तुम्हें एक ही दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा अपने पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपके बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलती हैं, जिसकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडेड सामान भी मिलता है,
और कुछ बिना ब्रांड का भी सामान मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं भी महंगे महंगा होता है। कंपनी अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े बाजार शहरी बाजारों अपने विशेषकर शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पाद की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। आप लोगों ने कई ऐसे मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखे होंगे जहाँ सब्जी से लेकर आप सब कुछ मिलने लगा है। चीनी हो, फिर चाहे आपका तेल, खाने का हो, कोई भी कपड़े हो, सब मिलता है एक ही जगह। उन्होंने पूरा सिस्टम लगा के रख दिया है, सब्जी से लेकर आटा वाटा सब, दालें फालें, कपड़े, फिर आपके जो भी साबुन फाबुन। अब बात करते हैं आगे बाजारों की श्रृंखला। पहले के हिस्से में अपने आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों में सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी और 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तुओं के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें हम लोग व्यापारी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारी। जो वस्तु के उत्पादन, जहाँ वस्तु का उत्पादन हो रहा है और यहाँ उपभोक्ता हो रहा है, जैसे सब्जी मंडी देखी होगी आपने, सब्जी किसान उगा रहा है और खरीद उपभोक्ता रहा है जिसे जरूरत है, इनके बीच में एक कड़ी होती है, उसे व्यापारी कहते हैं। किसानों से सब्जी लेकर आएगा मंडी तक, कौन लेकर आएगा? व्यापारी, और वो आपको बेचेगा, उसे हम लोग व्यापारी कहते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीदता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है, या खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, उसे हम लोग खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं। यह वही दुकानदार होता है जो आपके पड़ोस की दुकान है, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। हमें इसे यहाँ देखकर उदाहरणों से समझेंगे कि हर शहर में थोक बाजार का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती हैं, यहाँ से भी अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। सड़क किनारे की दुकानें, दुकान का छोटा व्यापारी जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किसके पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचा है। अफताब शहरों में सब्जियों का थोक व्यापारी है। देख लेते हैं इस कहानी को। अफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उनका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जियां बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मोटरडोर, ट्रैक्टर की ट्रालियों में सब्जियां यहाँ आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। हफ्ता भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए आज 5 क्वांटल फूल गोभी, 10 क्वांटल प्याज खरीदेगा। शहर में उसकी दुकान एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता और बेचता है। यहां वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहां से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। आगे बात करते हैं हर जगह बाजार। हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर
तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे हैं होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना खरीदना कई तरीकों से चलता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। शहरी क्षेत्रों में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ये तो बाजार के ही रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम होती है, क्योंकि यहाँ विकने और खरीदी जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करता है, ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सल पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सब के वे खबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीजों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बात करते हैं बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली है। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानें और दुकानदारों को देखा है। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है और जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इसकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। ऐसे बहुत सी लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरे ओर मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीददार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादों से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाले वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इन श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है, उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इस श्रृंखला में कि प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपके इससे संबंधित आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अभ्यास के लिए। ठीक, शब्द संकलन देख लेते हैं। साप्ताहिक बाजार एक बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में एक या फिर दो बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान का लगभग सभी चीजें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन। मॉल यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारतें बहुत बड़ी होती हैं, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां, कभी कभी सिनेमाघर तक होते हैं। इन दुकानों में पर्याप्त ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। थोक इसका आदर्श है बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिस जिनमें सब्जी, फल, फूल आदि भी सम्मिलित हैं, वे अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाजार की श्रृंखला या बाजार की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचता है। तो ये था आपका चैप्टर हमारे आसपास के जो बाजार हैं उनसे संबंधित। देख समझ में आ गया होगा किस तरह हम लोग बाजार से जुड़े हुए हैं और बाजार हमसे जुड़ा हुआ है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे अध्याय 8 के बारे में, जिसमें देखेंगे हम लोग बाजार में एक कमीज। ठीक
है, अध्याय का नाम।